भारत सरकार द्वारा जनपद रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे स्टॉल पर पहुंचे हैं जो आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट इनके पास हैं। इनके नाम रमेश कुमार जी मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं। रमेश जी, ये बताइए किस तरह के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं और आज आपने स्टॉल यहाँ हुनर हाट में लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और आपके माध्यम से इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे किया है। और हम जैसे लोगों को, मैं इतनी दूर करनाल हरियाणा से आया हूँ कि मेरे को मौका मिला रामपुर आने का, इससे पहले मैं कभी रामपुर नहीं आया, तो ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। और दूसरा, मेरे जो आयुर्वेद प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ मेरे अपने खेत के हैं। मैं अपनी एक फार्मिंग करता हूं जो जड़ी बूटियों से संबंधित मैंने 2015 में शुरुआत की, तो उसमें मेरा एक स्टीविया है जो एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है, दूसरा मेरा कोर्डिसेप है जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, स्टेमिना बूस्टर है। इसके अलावा और मैं कुछ फार्मर के प्रोडक्ट जो रेट में मंदी के कारण सड़कों पर बिखेरे जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उनका मैं पाउडर तैयार करता हूँ। रमेश जी, बताइए कि ये इन प्रोडक्ट का क्या नाम है और जैसे कैंसर जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों में क्या इसका इस्तेमाल होता है या नहीं? जी, सबसे बेहतर बात और बड़ी बात तो ये है कि मैं 2017 में कैंसर से पीड़ित हुआ था, मेरे को लास्ट स्टेज का लंग कैंसर हुआ था, जिसकी मेरे पास यही मौजूद रिपोर्ट हैं। 3 से 4 हॉस्पिटल ने मेरे को डायग्नोज किया था। उसके बाद मैंने एक जो मेरा प्रोडक्ट है, आज मेरा है, पहले मैंने परचेज करके उसका सेवन किया, उसका नाम है कीड़ा जड़ी, इंग्लिश नेम है कोर्डिसेप। वो मैंने 6 महीने निरंतर लिया और उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें मैं नॉर्मल मिला। उसके बाद मेरा एक मिशन बना, मैंने एक ध्येय बनाया कि मैं ठीक हुआ तो मेरे जैसे अन्य लोग और भी बहुत इससे प्रभावित जरूर होंगे, तो मैंने उसको आज अपनी लैब द्वारा तैयार किया। जो मेरी लैब है वो हिमाचल शिमला में है, तकरीबन 12-13 साल से मैं शिमला में रह रहा हूँ और 2 साल पहले मैंने लैब लगाई, अपने आप को ठीक करके फिर मैं लैब पर आया। लैब के माध्यम से आज ये प्रोडक्ट मेरा आपके रामपुर में है और अच्छी बात ये है कि लोग समझ रहे हैं, जागरूक हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा और अब तक कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है? हाँ देखिए, आज तो मायनों में, तो सही मायनों में तो पहला दिन आज वर्किंग का, क्योंकि 2 से 3 दिन बारिश की वजह। रामपुर का नहीं पूछ रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट जब से चला है तो कितने लोगों ने अब तक फ़ायदा हुआ होगा इसका? मैं सैकड़ों कहूँ, हजारों कहूँ, बहुत सारे हैं, मतलब हजारों लोगों को फायदा स्वाभाविक है मिला है इससे। कल जो लेके गया था, कल लेके एक दिन लेके आज उसने बताया कि मेरे को एक दिन में ही 50% आराम हुआ है, तो ये इतना प्रभावी है। और हम ये मानते हैं कि ये एक मेरा बनाया हुआ, मेरा इजाद करा हुआ नहीं है, गूगल है, नेट है, सबके पास इसकी जानकारी है, वो डाल के इसकी जानकारी ले सकते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या खूबी है। किसी बड़े आदमी ने आपसे कोई एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, कोई एक नाम हो आपके पास? नहीं, नाम है पर मैं ओपन नहीं करूँगा। मेरे 70% जो कस्टमर हैं वो सारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, पर दुर्भाग्य एक बात का है, एलोपैथिक और आयुर्वेद दो अलग चीज़ है। एलोपैथिक आयुर्वेद को लिख के सिफारिश नहीं कर सकता, फायदा मिलता है पर लिख के सिफारिश नहीं कर सकता, अपने तक सीमित है। मेरे बहुत भाई बंधु डॉक्टर ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट है? मेरे ख्याल से जीवन में या पूरी दुनिया में एक यही प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए और एक गर्भवती महिला को नहीं। ये बताइए कि आज हुनर हाट तो सिर्फ 9 दिन के लिए लगा है, लेकिन अब हुनर हाट के बाद आप चले जाएंगे तो लोगों को प्रोडक्ट लेना है तो क्या जरिया है और उसकी क्या MRP है? नहीं, डिजिटल आज सब कुछ है, मेरा प्रोडक्ट वैसे अमेजोन पर भी है और जो लेके जाएगा मैं उसको अपना लिंक देता हूँ, अपने फ़ोन नंबर देता हूँ, वो मेरे को याद करे। प्राइस है इसका? प्राइस इसका वैसे गूगल पे तो बहुत कुछ दिखाते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मैं इसको 1.5 से 2 लाख रुपए में रिटेलिंग कर रहा हूँ, मतलब 1 ग्राम 200 रुपए के हिसाब से, 2 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ। एक आदमी को 25 ग्राम लेना चाहिए महीने में, 25 का मतलब है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये अगर वो अपने शरीर पे 2 या 3 महीने लगा लेगा तो मैक्सिमम 70-80% वो बीमारियों से बाहर निकल आता है। अच्छा, और जड़ी बूटियों का नाम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ आपके पास हैं और किन कारों के लिए? हाँ नहीं, एक तो ये मेरा हो गया कोर्डिसेप और दूसरा है मेरा स्टीविया जो शुगर फ्री रहता है,
जीरो कैलोरी रहता है, वो एक शुगर का चीनी का विकल्प है कि बिना नुकसान के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया है, स्टीविया का प्रोसेसिंग लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा, फिर तीसरी जो आइटम है मेरी वो है ऑनियन, गार्लिक, टमाटो, इन सब को सुखा के पाउडर बना के मैं दे रहा हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील ये करना चाहूँगा कि आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक विरासत है, उसको एक बार खंगाल के उसको जरूर उसमें जाएं, जरूर उसको ट्राई करें। अब कोर्डिसेप है, मैं ये मानता हूँ यहाँ हुनर हाट में मैं देख रहा हूँ कि 100 में से एक आदमी भी इसके बारे में नहीं जानकारी रखता, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने इससे जीवन मिला, मेरा मिला तो औरों का क्यों नहीं। तो जानकारी की कमी के कारण आयुर्वेद पिछड़ा हुआ। आपने अभी एक फ़ोटो दिखाए थे, प्रधानमंत्री जी के साथ भी फ़ोटो दिखाया, मुख्यमंत्री जी के साथ भी दिखाया, तो वो फ़ोटो कैसे थे, क्या था पूरी बात? वो मेरे को शुरू से प्रगतिशील किसानों में मेरी गिनती की गई थी कि मैं कुछ नया हट के, अब मेरे एरिए में ड्रिप इरिगेशन आया तो सबसे पहले मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उसको लगा के डेमो दिया, भाई पानी बचाने का एक बहुत बढ़िया जरिया दिया, और सरकार ने मदद की कि उसमें सब्सिडी दी हमारे को। तो अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैंने ड्रिप इरिगेशन लिया, उसके बाद फिर सरकार की जो स्कीमें टाइम टाइम पर आई उनको भी मैंने लिया, और लेने के बाद इसका मेरे को फायदा मिला, और उसकी वजह से मैं प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आया। तो उस बदौलत, और मैं 80% दिव्यांग भी हूँ, डिसेबल हूँ, शायद उस वजह से भी मेरी मेहनत को सैल्यूट किया। मेरा आखिरी सवाल, लोगों को अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम रमेश कुमार है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7015409391। मैं करनाल और हिमाचल शिमला दो जगह से बिलोंग करता हूँ जी। तो आपने देखा कि हुनर हाट में आयुर्वेदिक का एक स्टॉल लगा था, हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, उन्होंने बताया किस तरह के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक उनके पास है बिना किसी साइड इफेक्ट के। रामपुर से ईशान।